लोकसभा में सुषमा स्वराज हैज स्टार्टेड स्पीकिंग लेट कट अक्रॉस लाइव टू मुद्दा चाहे आतंकवाद का हो या महिला असुरक्षा का, मुद्दा चाहे युवाओं की बेरोजगारी का हो या एफडीआई की धार पर खड़े व्यापारी का, मुद्दा चाहे किसानों के आत्महत्याओं का हो या मजदूरों के शोषण का, मुद्दा चाहे कोलगेट का हो या हेलीकॉप्टर स्कैम का, सभी मुद्दों का मिला जुला परिणाम एक है कि लोग इस सरकार से त्रस्त होकर इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। और छुटकारा पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों की ये उम्मीद ही हमारे लिए चुनौती बन गई है। हम लोगों की इस उम्मीद को ना उम्मीदी में नहीं बदल सकते। हम देश की जनता को उन शासकों के हवाले दोबारा नहीं छोड़ सकते जो दिन रात इस देश को लूट रहे हैं और तरह तरह से लोगों को संत्रास दे रहे हैं। हमें इस चुनौती को स्वीकारना है और सफलता से इसका सामना करना है। हमने इस दयनीय स्थिति से देश को उबारना है और लोगों को संत्रास से निकालना है। और इसीलिए इस राष्ट्रीय परिषद का थीम हमने रखा है सुशासन संकल्प भाजपा विकल्प। ये राष्ट्रीय परिषद अगर यहां से इन दो वाक्यों को अपना ध्येय वाक्य बनाकर ले जाए तो मैं समझती हूं कि इस राष्ट्रीय परिषद की वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। छह राज्य इस बार चुनाव में जा रहे हैं, पहले कर्नाटक और झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली। गुजरात की तीसरी जीत, नरेंद्र भाई की तीसरी जीत ने इस बात को स्वीकार करवा दिया है, साबित और प्रमाणित कर दिया है कि यदि राज्य सत्ता अच्छा शासन दे तो लोग आपको विकल्प के तौर पर केवल स्वीकार ही नहीं करते बल्कि बरकरार रखते हैं। और मुझे खुशी है कि उस बरकरारी की कतार में हमारे दो राज्य साथ साथ खड़े हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसी वर्ष दो हैट्रिक और बनने वाली हैं। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी हैट्रिक बनाएगी मध्य प्रदेश में और रमन सिंह के नेतृत्व में वो स्वयं हैट्रिक बनाएंगे छत्तीसगढ़ में।